सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं एक नए रिव्यू वीडियोस की तरफ। और आज के इस सेगमेंट में मैं आपके लिए ये के आया हूँ 3 बेस्ट डिमांडेड, मोस्ट डिमांडेड परफ्यूम्स, जो कि एज अगर ये फ्रेग्रेंस नहीं हो तो लगता है यार कुछ ना कुछ तो हमारे ब्रांडिंग में अधूरी है। मतलब ये रेगुलर है और वन ऑफ द बेस्ट लोगों की ये च्वाइसेस होती हैं कि भाई ये फ्रेग्रेंस तो होना ही चाहिए। और ये किसी भी तरीके से हो, चाहे आप एक नॉर्मल रेडीमेड में बेच रहे हो, या फिर आपका एक अच्छा ब्रांडिंग है, या फिर एक अच्छा ब्रांड के बेस में आप वर्क कर रहे हो, तो भी ये डिमांड ये रहती है। और लोगों की मोस्ट पॉपुलर और डिमांडेड प्रोडक्ट मैं ऐसा कहना चाहूँ तो फर्स्ट ये हमारे पास है चंदन, सेकंड मोगरा, और ये है भाई रोज, जो कि तीनों अपने सेगमेंट में बड़ा किंग है। और इन तीनों परफ्यूम्स का आज हम करेंगे रिव्यू। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे अंडर 1000 बजट फ्रेग्रेंस आपको ऐसा देखने को मिलेंगी। तीनों के बारे में एक एक करके बातें करेंगे, फ्रेग्रेंस क्या आएगा, रेशियो क्या रहेगी और परफॉर्मेंस किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत मैं करता हूँ सैंडल से और उसके बाद मोगरा, फिर रोज। पहले तीनों परफ्यूम्स को हम जो है कुछ इस तरीके के बीकर्स में ट्रांसफर कर लेते हैं और फ्रेग्रेंस के बारे में भाई आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फटाफट से इन फ्रेग्रेंस को हम करते हैं ओपन, और इसके साथ आपको आगे जो भी इसके प्रोसेस हो गए, इसके फ्रेग्रेंस के जो नोट्स होंगे, लास्टिंग और परफॉर्मेंस किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी बात करें। सो फ्रेंड्स, ये हमारे तीनों फ्रेग्रेंस के लिक्विड्स जो है बाहर आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं सैंडल के जो बेस लिक्विड है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप इसमें देखना चाहोगे तो थोड़ा सा वुडी बेस कलर आएंगी, मतलब वुडनेस का जो कलर होता है वो देखने को मिलेंगी। सेकंड, आपको थोड़ा सा ऑरेंज का फॉर्म इस लिक्विड में देखने को मिलेगा। भाई प्योर चंदन तो मैं नहीं बोलूंगा, बट चंदन जैसा इसका लिक्विड आपको नजर आ रहा होगा। सेकंड में हम चलते हैं भाई, तो ये है हमारे पास मोगरा। मोगरा मीन्स ग्रीनी, और थोड़ा सा लाइट येलो बेस आपको, ग्रीन आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये है हमारा मोगरा। थर्ड में हम आते हैं तो ये है हमारा भाई रोज, जो कि रोजी, जो रोज हमारा फ्लावर होता है उसी तरीके का पिंक लेस कलर आपको इस रोज में देखने को मिलेगा, जो कि सबसे अच्छा ये चीजें जो है देखने में लग रही हैं। तीनों फ्रेग्रेंस का एक बेसिक फ्रेग्रेंस ट्रायल करते हैं, ट्रायल टेस्ट हम करते हैं, और इसके फ्रेग्रेंस के नोट्स, डाइल्यूशन रेशियो और इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चंदन। चंदन मींस जिस तरीके से आपको ग्राफिक्स जो है देखने को मिल रहा होगा, एक अच्छा ग्राफिक्स ये डिजाइन किया गया है। बॉटल 500 ग्राम की है और ये जो है सैंडल, सैंडल की मैं बात करता हूँ, सैंडल में काफी सारे अलग अलग वेरिएंट आते हैं, हमारा सुखर चंदन, केसर चंदन, या फिर नॉर्मल सैंडल, सैफ्रॉन सैंडल, न जाने कस्तूरी चंदन अभी चलने लगा है काफी ज्यादा, न जाने काफी सारे। और हमारे सेगमेंट्स में ऐसे दो चंदन आपको देखने को जरूर मिला होगा, एक तो है हमारा केसर चंदन, सेकंड है हमारे पास मैसूर सैंडल, जो कि हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एज अ वो फ्रेग्रेंस। सैंडल के मामले में काफी यूनिक और परफॉर्मेंस भी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी, आपकी बत्ती जो है बोल उठेगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो ये है हमारे पास एक बजट बेस में चंदन, जिसके बारे में मैंने बातें नहीं की थी, बट आज ये तीनों चीजें रिवील हो चुकी हैं आपके सामने में और आगे आपकी च्वाइस रहेगी। सो फिर इस चंदन की नोट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके नोट्स थोड़े से स्पाइसी आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े सा क्रिस्पी नोट आएगा, और साथ में जो चंदन बेस चंदन का जो एज अ प्योर चंदन तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि जो बजट है बजट के हिसाब से ये बेस चंदन है, थोड़ा सा वुडी बेस इसके नोट्स रहेंगे, मतलब इसमें हल्का वुडनेस की आपको फ्रेग्रेंस सुगंध देखने को मिलेंगी। और जहां तक मैं इसकी लास्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये आपका 1:3:4 के रेशियो में एक अच्छा रिजल्ट आपको दे देगा। तो ये बात हो गई चंदन की,
और भी कभी ट्रायल मौका मिले तो इसके बारे में खुलकर जो है बातें होंगी, बट अभी हमें 3 फ्रेग्रेंस के ट्रायल टेस्ट करने हैं। सो फिर सैंडल के बाद हम आगे बढ़ते हैं मोगरा के बारे में, और इस मोगरा में आपको एक खास चीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि सबसे पहले ये है हमारा लिक्विड, और इस लिक्विड में आपको थोड़ा सा लाइट ग्रीन के साथ थोड़ा येलोनेस इसके लिक्विड में देखने को मिलेंगे एज अ फ्रेग्रेंस में, जो कि इसके नोट्स के बारे में आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास रॉ इंसेंस, और थोड़ा सा हम डीप का प्रोसेस इसे कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से ये हमारा डीपिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और मोगरा एक ऐसा फ्रेग्रेंस है फ्लावर में या फिर हमारे आस्था में जो कि भगवानों को अर्पित की जाती है, मोगरा के फूल्स फ्लावर, तो दोनों महीने में देखा जाए तो इसकी बहुत अच्छी डिमांड होती है और लोगों की काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा ये हमारा मोगरा परफ्यूम माना जाता है। और ये फ्रेग्रेंस आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगी एक ट्रायल टेस्ट में इसके नोट्स के बारे में भी बताने की कोशिश करता हूँ। सो फिर सबसे पहले मुझे जो महसूस हो रही है, तो ये हमारा एक बेस और लाइट मोगरा जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें हमारा मोगरा के साथ जैस्मिन का टचअप देखने को मिलेगा, वो चीज़ें इसमें फील होंगी। एग्जैक्ट फ्लावर का नोट से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि जब हम जैस्मिन का टच देते हैं इसमें तो ये हाईलाइटेड फ्रेग्रेंस हो जाता है, मतलब इसके फ्रेग्रेंस थोड़े से मोगरा से ऊपर जैस्मिन टच होने के साथ साथ इसकी फ्रेग्रेंस की लास्टिंग और क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो ये मोगरा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। और सेकंड फ्रेग्रेंस की लास्टिंग आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा फैंसी मोगरा हम इसे कह सकते हैं। मोगरा में काफ़ी सारी वैरायटीज आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से हमारा अभी बट मोगरा चलता है, वाइट मोगरा भी देखने को मिलेंगी, आपको बेला मोगरा भी देखने को मिलेगा। बेला मीन्स वही आपका है, थोड़े से जैस्मिन टचअप में ही होता है, बट हमने बेला मोगरा का नाम नहीं दिया, हमने कहा भाई मोगरा को मोगरा ही रहने देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके ये फ्रेग्रेंस इसमें देखने को मिलेंगी। इसके रेशियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3-4 ही मैं कहना चाहूं तो बेटर होगा, इससे ऊपर अगर आप जा रहे होगे तो फिर आपका एक बजट बेस में अगरबत्ती चली जाएगी, फिर वो प्रीमियम नहीं कहलाएगी। तो 1:3-4 आप रेशियो सेलेक्ट कीजिए, और ब्लैक हो या फिर व्हाइट स्टिक या फिर ब्राउनिश स्टिक, दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस ये देने वाली है। तो भाई हमारी मोगरा की, नेक्स्ट हम चलते हैं, तो भाई ये है हमारे पास रोज, तब मैं कहना चाहूं तो पसंदीदा फ्लावर फ्रेग्रेंस खुशबू जो कि देखने को मिलेंगी। बट सबसे पहले हम इसके लिक्विड्स की बात करते हैं, तो आपको पिंक फॉर्म में इसके लिक्विड देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में काफी जबरदस्त आपको देखने को आएगा, मतलब एक फीलिंग होती है ना कि भाई रोज है तो भाई रोज में जान तो होनी चाहिए, तो फ्रेग्रेंस भी जान आएगी, और इसके कलर में तो आप आगे देख ही पा रहे होंगे। फिरल जो है ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और इसे जो है ट्रायल टेस्ट हम लेते हैं, और इसके फ्रेग्रेंस का परफॉर्मेंस हमें किस तरीके से देखने को मिलेंगी ये इसके बारे में जो है आगे बात करेंगे। तो ये हमने ले लिया रोज़, कुछ ग्राफिक्स आपको इस तरीके से हमने फ्लावर के बेस में रेडी किया है, तो ये चीज़ें हो गई। रोज में भी जिस तरीके से अभी मैंने मोगरा बताया कि मोगरा में भी काफ़ी सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी, उसी तरीके से रोज में भी काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं। जैसे सपोज हमारा एक वाइट रोज है जो कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है अभी के टाइम में, लोग पसंद कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को भी मिल रहा है। और ये हमारा सेकेंड रोज हो गया, और एग्जॉटिक या फिर पीटल्स रोज में भी हम आने वाले हैं, तो वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। जहाँ तक मैं इसके नोट्स को समझ पा रहा हूँ, तो ये बेसिकली जो एग्जैक्ट हमारा रोज़ होता है, देखो मोगरा रोज़ में वाइट रोज़ का फ्रेग्रेंस थोड़ा लगाएगा, जो बेस हमारे बगानों में होती हैं, जो पिंक बेस होती हैं, सपोज़ ये हमारे पास इस तरीके की रोज़ है, जो कि इसके फ्रेग्रेंस थोड़े से अलग आएंगे, मतलब जो रोज़ की अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं एज अ फ्लावर होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग थोड़े थोड़े फ्रेग्रेंस में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। रोज़ में एक चीज़ और आपको देखने को मिलेंगी कि जब तक ये हम अच्छे से इसके प्रोसेस करके इसे ट्रायल में ना ले जाए,
इसके जो फ्रेगनेंस है थोड़े से, मतलब मैं कहना चाहूँ इसका परफॉर्मेंस जो होता है एग्जैक्ट, हम अगर स्मेल को टच करते हैं या फिर स्मेल करते हैं, फ्रेगनेंस को स्मेल करते हैं, तो इसके फ्रेगनेंस हमको अच्छे नज़र आते हैं, बट हम जलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई रोज़ समझ में नहीं आ रहा है। बट वो जब जिस जगह पे जिस प्लेसेस में हम इसे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इसे बर्निंग होने देते हैं और थोड़ा हम चाहते हैं कि भाई ये फैल जाए, तब जाके रोज़ हमें एक्चुअल में समझ में आती है। तो ये रोज़ की खासियत ही, आप किसी तरीके का रोज़ ले लो, एग्जैक्ट आपको आपके माइंड में वो चीज़ें हिट नहीं करेगी कि भाई रोज़ जलाया हमने लेकिन खुशबू नहीं आ रही। जब वो 2 मिनट 4 मिनट आगे आपके हॉल हो, रूम हो, या फिर जहां आप यूज़ कर रहे हो, जब तक उसके फ्रेगनेंस फैलेंगे नहीं और जहां तक वो बर्निंग नहीं करेगा, तब तक ये रोज़ हमें एग्जैक्ट पता नहीं लगता। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर का सोचना ये होता है कि सर डिपिंग किए, तुरंत निकाले, जला दिए और तुरंत हम टच करते हैं अपने नाक से या फिर सूंघने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम फ्रेगनेंस हमें एग्जैक्ट में पता नहीं लग पाता। तो कारण यही है, इसके जो परफॉर्मेंस है रोज़ के, वो थोड़े से इनको टाइम लगता है खुलने के लिए, तो आप टाइम दीजिए और टाइम देने के बाद इसे समझिए और इसके फ्रेगनेंस को भी आपको महसूस होने लगेगा। तो ये है रोज़। और इसके मैं रेशियो की बात करना चाहूँ, डाइल्यूशन रेशियो ये हमारा जाएगा 1:3:4, तीनों परफ्यूम में 1:3:4 ही सजेस्ट करूँगा। अगर आप इससे ऊपर तोड़ते हैं तो आपकी बत्ती उतनी पावरफुल रिजल्ट नहीं देगी, और 3:4 सजेस्ट है, मतलब बेस्ट है और सजेस्ट भी है मेरा। तो ये तीन फ्रेगनेंस हो गए भाई, और ये तीनों फ्रेगनेंस अपने आप में एक अच्छा नाम है, और मैंने समय के चलते तीनों फ्रेगनेंस को एक साथ आपके सामने रिवील कर दिया। ये था हमारा 3 बेस्ट बजट सेगमेंट्स के परफ्यूम्स। प्राइस की मैं अगर बात करूं तो अंडर 1000 में तीनों प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और किसी भी तरीके से फ्रेगनेंस परफ्यूम्स की डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिर मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।